हाँ जी, सत श्री अकाल, सलाम आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ये नहीं सोचना भी पंडाल च बंदे घट गए, घटे नहीं, कमां ते गए हैं। जीरी लागी, जीरी भूजा मार गई, दवाई पै गई, रे पै गया, डाया थले गया, ते हुण आ जाणगे। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर टेंट च 200 बंदा होवे, एक एक बहुत है, क्योंकि मोबाइल कोल है, जो कोई प्रशासन किसी तरह की गुस्ताखी करू तो आपे लोगों ने आ जाना है। कोई वक्त बदल गया, अगे तो इस करके किसी मुहिम च सब नूं डटना पैंदा सी, क्योंकि सुनेहा देने का कोई सद्दा देने का कोई साधन नहीं सी। सो इस करके जमा ही परवाह नहीं करनी, किसी मीडिया की लोड़ नहीं, अपन प्रदर्शन साडा जारी है। और ये जिहड़ी नाटक सरकार है जा रही है, हौली हौली रफ्ता रफ्ता चले जाने ने, तुसी फिक्र नहीं करना। और एको चीज बना के रखनी है कि धर्मां जातां दे परे होके एक होके इंसानी जिंदगी दे हिसाब नाल, जिद्दां आपां निजी जिंदगी च तुरदे हां, क्योंकि सारे ही साडे हैं। हुण अगली जिहड़ी रणनीति है ये जिहड़े सरकारी चमचें दी, ओह इह है कि हरियाणे दे या यूपी दे जिहड़े किसानी अंदोलन नाल जुड़े आ उहनां नूं बाकियां नाल किवें लड़ाया जावे, सो इहदा ध्यान रखना है। बाकी कोई नैगेटिव बोलदा जे समाजिक मीडिया ते उहदी कोई स्ट्रैस नहीं लैणी, क्योंकि इन्नियां चवलां होनियां ही है ते इहनां ने लगे रहना, जद तक अंदोलन जित्तण तों बाद वी बोली जाणा। किसान भी साडा, मजदूर भी साडा, पंथ भी साडा, नाहक सिंह भी साडे, सारे साडे हैं, और असीं सारे एक हैं। छोटे मोटे मन मुटाव हो जाने हैं, और आने वाले दिनों च पंजाब हरियाणा यूपी के जिन्हें भी कबड्डी के प्लेयर हैं या पहलवान है, वह भी अगली बारी आएंगे, उन्हों का भी एक दिन होगा। तो जो असी कलाकार सारे आएंगे साढ़े, वैसे तो तुम पहला पहला तो जूनियर ने समझते नहीं भी कलाकार का की होता, एवें होंगे, वह हौली हौली पता लग गया नहीं एवें नहीं होंगे, ये कम दे हैं। अगली बारी जिहड़ी है सिख शख्सियत है, जिहड़े साडे निजी मित्र है, जिहड़े सिख चिंतक है, जिहड़े बाणे ते बाणी ने, वह भी अगली बारी साडे नाल आउणगे। सो इस तरह की आधारण आपां बणाउंदे जावांगे। बाकी सर इहने चले जाणा है, क्योंकि हंकार का अंत तो हो ही जाता है। सो बहुतियां गल्लां ना करिए, कम लंबा हो जाणा है। स्टेज नूं जिहड़े जिहड़े मेरे सज्जन जिहड़े जूनियर वाले आ, तुसीं आप तां खाली कर दो, डांग चक्की एडियां दा फायदा क्या, मैं तो लगा दिल्ली पजाएगा। हुण इहदे बाद चर्चा करनगे जिहड़े बुद्धिजीव है। कुछ नहीं होंदा, कुछ नहीं होंदा, हो जाता होंदा जो एडा बड़ा अंदोलन होंदा ना, जिहदे च लखां तरह की मत होंदी है, कुछ ना कुछ हो जाता होंदा। कुछ नहीं होया, देखो अंदोलन तो चल ही रहा, उकड़े सजे बैठे हैं, ये तो फसलां करके लोग रुके हुए हैं, ये काफले ने बाते जाना। अज जिहड़ा सब तो वड्डा धर्म इस मुल्क का, एक किसानी ते इंसानियत जिहड़ी उभर के सामने आई है, कि पंजाब हरियाणे ने वो मिसाल पैदा करती कि हर भुखे नूं इत्थे फूड मिलता है। करोना जदों लोगों नूं रोटी नहीं मिलती सी, इत्थे अंदोलन नालों ज़्यादा बाहरों आके खांदे सी। तो मैनूं तां लगदा है ये जिहड़ी जदों भी कोई सरकार बनती है, ये उदां मोर सरकार की रख लिया करन, बाकी जिहड़ा सारा सिस्टम है फूड का ते बाकी वो किसानों ते मजदूरों नूं दे देना चाहिए, ताकि कोई भुखा ना मरे, क्योंकि अमीर आदमी नूं पता नहीं होंदा भुख की है, वो वेस्टेज बहुत करता है। सो आपां आओ इस तों बाद चर्चा करिए, ते हुण अज तों बाद बाकी आर्टिस्ट भी आउणगे थोड़े कोल, फिल्म वाले भी आउणगे, प्लेयर भी आउणगे, पंथक चेहरे भी आउणगे, ते हुण एक सत चर्चा का बनाया सबब इन्हां ने। तो मैं कहना भी सत चर्चा च हर बंदा जवाब ना दे, इधर साडे वाले पास साडा जिहड़ा सरपंच असीं बनाया अमितोज, ये दे या राजेवाल साहब नूं कह दिंदे या इधर बाबा जी दे देणगे, आप लावांगे, थोड़ी स्टेज है, साह तां लै लै यार, साह चढ़ा लैणे, ये गलत बंदे नूं छेड़ी जाने, टिक यार। आ प्रॉब्लम पहला भी जदों शुरू साडा अंदोलन शुरू होया ना, बहुत कलाकारां नूं टाइम ही नहीं मिलिया, बेचारियां नूं नहीं मिलिया ना, हाँ फिर इन्हां नूं कहना तो पैना ही हुण, हुण विच कई वह दुआबे वाले का गुस्सा ही नहीं करते, हुण उन्हां नूं पता लग गया।
पर की होंदा कि सब की अपनी अहमियत होंदी है, आपां सारे वर्गां नूं जोड़ना है। यह तो एक अंदोलन है यार, ये तो बाद तो चली जाना काम, क्योंकि सरकार ने कुतखाना फड़ लिया भी लोगों को तंग करना है, आपां उहदे लई लड़ना है। ये जिहड़े शहरां च बेचारे सज्जण बैठे हैं, इन्हां नूं तां एसी मिल गया, वड्डी गड्डी मिल गई, इन्हां नूं फर्क नहीं, इन्हां नूं आटे की थैली का मुल नहीं पता कि आटा की हुंदा है, इन्हां लई कुछ नहीं, इन्हां दे हक्कां लई भी असीं उह लड़ना है। सो ये जिहड़े बजुर्गों की रहनुमाई च आपां चले हैं, ते जिहड़ी अगली पीढ़ी है या जिहड़े आर्टिस्ट है, इन्हां तों सबक लैके जिहड़ियां बाकी चीज़ां पिछे लड़ना है। हुण जिदां पेट्रोल है, आज इधर गभरू खड़े हैं, थोड़ा तो बहुत औखा हो गया, 100 का पैंदे इन्ना क्या गेड़ा भी नहीं लगता होना कितने, है ना, तंग हो गए। सो ये सारिया चीजा लिए लड़ना पैना आपां नूं, ये अंदोलन तो आप जितने जितना, तो बाकी भी अगे तैयारी करिए। थोड़े जहन च कोई अच्छा सवाल हो, मेरे तो है एक पहला सवाल, बंद कर लो, बाकी मत लें बंद कर लो, आप नहीं लेंदे मत। बई जिहड़ा बाइकाट करना है सियासतदाना का, वह किस उहदी रूपरेखा की होनी चाहिए है, होना है करना है तुसी या नहीं, इहदे ते चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि पिंडां च गल्लां कई हुंदियां ने, कुछ माहौल बनाउण वालियां, कुछ बिगाड़न वालियां, कदे कदे डराउण धमकाउण वालियां, ते कुछ सच दे लिफाफे च झूठ दी चिट्ठी पहुंचाउण वालियां। उनको पता लगना चाहिए कि मेरा नेता कैसा होगा। अजिहियां गल्लां हुण होर नहीं, क्योंकि आ रहा है साफ सिद्धियां ते सच्चियां गल्लां दा पहला शो मुकदी गल, मेरे यानी जगविंदर पटियाल दे नाल।